आज की क्लास में हम पेज लेआउट टैब के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड में तीसरे नंबर का जो टैब है वो पेज लेआउट टैब कहलाता है। पेज लेआउट टैब में हमारा जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें ये वर्किंग एरिया जिसे हम पेज कहते हैं उसके स्ट्रक्चर और लेआउट को सेट करने के लिए सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये हमारा जो पेज है इसके स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए ये सारे ऑप्शंस पेज लेआउट के रिबन्स में मिलेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन देखेंगे पेज लेआउट में वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क ऑप्शन आपने कई बार देखा होगा कि किसी किसी लेटर पैड में यहाँ पर बीच में या तो कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का लोगो होता है, या कोई पिक्चर होती है जो कि बहुत ही फेड तरीके से होती है और बहुत हल्की हल्की छपी होती है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखे जाते हैं। क्लियर? तो ऐसा वाटरमार्क हम लगा सकते हैं। अभी मैं वाटरमार्क का एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाटरमार्क होता क्या है। तो वाटरमार्क का एग्जांपल देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं और रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हम उस फॉर्मूला से यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। तो ये हमारा रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया है और इस टेक्स्ट को देखेंगे ये सेंटर अलाइन है। ये टेक्स्ट जो है पूरी तरीके से सेंटर अलाइन है। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। मैं सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। जस्टिफाई करने के लिए मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट किया और जस्टिफाई कर देता हूँ। तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो गया है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं लगा हुआ है। तो वाटरमार्क वाला ऑप्शन हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। पहला जो टैब है हमारा वो है वाटरमार्क के ऊपर। क्लियर है? तो वाटरमार्क देखेंगे। वाटरमार्क में हम पेज लेआउट टैब में हमको मिलेगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाटरमार्क जो है पेज लेआउट टैब में मिलता है और ये पेज बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में मिलता है। पेज बैकग्राउंड में आपको तीन तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मैं वाटरमार्क में जैसे ही जाता हूँ, वाटरमार्क में अब जाने के बाद आप देख रहे हैं कि आपको कुछ प्री डिफाइंड वाटरमार्क बने हुए दिख रहे हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल ऐसा एंगुलर शेप में या टेढ़ा लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल ऐसा लिखा है, हॉरिजॉन्टल डू नॉट कॉपी, और यहाँ पर दिख रहा है डू नॉट कॉपी। तो अगर मैं ये कॉन्फिडेंशियल पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में हल्का हल्का बहुत ही हल्का दिखता है, प्रिंट आउट में निकलता है ये। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा कि जब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर हल्का हल्का देखिए कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे हम लोग और इसका जो कलर है मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि अब आपको थोड़ा थोड़ा ये विजिबल होगा कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। मैं और जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पीछे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। बहुत ही लाइट तरीके से लिखा होता है और जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको ये दोनों पेज में हल्का हल्का प्रिंट होगा। आप देखे होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे सिलेबस है, कोई कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो नोट्स देते हैं तो पीछे ऐसे राजन्स कोचिंग आदि अपना नाम लिख देते हैं ताकि इसकी फोटोकॉपी लोग करें तो उनका नाम भी प्रिंट हो सके। इसको वाटरमार्क बोला जाता है। क्लियर है? तो आप वाटरमार्क को एक बार और मैं दिखाता हूँ। बहुत ही लाइट दिखता है इसलिए मुझे जूम करके दिखाना पड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इस खाली जगह में एन दिख रहा होगा आपको, यहाँ टी दिख रहा है। इस तरीके से हमने देखा कि वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो इसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा है, हम चाहें तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि वाटरमार्क को कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, कैसे एडिट करते हैं और कितने टाइप के वाटरमार्क होते हैं। क्योंकि तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वाटरमार्क तो आपको लिखना होगा वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है और कितने टाइप के वाटरमार्क हैं। सबसे पहले वाटरमार्क लगाने के लिए पेज लेआउट में जाना होता है, वाटरमार्क में जाना होता है और हमारे पास ये प्री डिफाइंड वाटरमार्क, पहला टाइप जो है प्री डिफाइंड वाटरमार्क, पहले से बने बनाए वाटरमार्क है। हम इसको यूज कर सकते हैं प्री डिफाइंड वाटरमार्क को। क्लियर है? दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क करने से वाटरमार्क हट जाएगा। वाटरमार्क अगर हमें
किसी पेज में लगा हुआ है उसको हटाना है तो रिमूव वाटरमार्क हमको करना होगा, क्लियर है। तीसरा कस्टम वाटरमार्क, देखिए पहला था इसको दो तरीके के वाटरमार्क यहाँ पर भी है, पिक्चर वाटरमार्क या फिर टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क अगर लेते हैं तो हम यहाँ पर खुद का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन, तो ये मेरा खुद का वाटरमार्क है, टेक्स्ट वाटरमार्क बोलते हैं। तो देखा जाए तो तीन प्रकार के वाटरमार्क होते हैं, पहला प्री डिफाइंड, दूसरा पिक्चर और तीसरा टेक्स्ट वाटरमार्क। वाटरमार्क तीन टाइप के होते हैं एमएस वर्ड में, प्री डिफाइंड वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी में वाटरमार्क देना है आपको तो यहाँ पर हिंदी में वाटरमार्क आप लिख सकते हैं, क्लियर है। मैंने यहाँ पर लिखा साई कॉलेज भिलाई, और यहाँ पर आप फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से फॉन्ट में आपको लिखना है, इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज बड़ी बड़ी करना है आपको वो भी कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, क्लियर है, छोटी बड़ी साइज कर सकते हैं। और फॉन्ट वाटरमार्क में जो लिखा हुआ चीज है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, ठीक है, अप्लाई करने पर अब आप देखेंगे कि वाटरमार्क जो है उसमें आपको साई कॉलेज भिलाई लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर साई कॉलेज और भिलाई लिखा हुआ दिख रहा है। जब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको ऐसा क्लियर क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरीके का जो वाटरमार्क है आप अपना खुद का वाटरमार्क सेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये था टेक्स्ट वाटरमार्क। दूसरा अगर मैं बात करूं कोई पिक्चर वाटरमार्क लगाना है तो आप वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा पिक्चर वाटरमार्क, क्लियर है। पिक्चर वाटरमार्क में जाकर के आपको सेलेक्ट करनी होगी कोई पिक्चर, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक पिक्चर मेरे पास है ये वाली, हालांकि किसी कंपनी का लोगो वगैरह जो रहता है ना मोनो उसको लगाया जाता है पिक्चर वाटरमार्क में, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क अप्लाई कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि पिक्चर वाटरमार्क लगाने पर बैकग्राउंड में पिक्चर आ रही होगी, एक जब मैं प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाऊंगा तो पिक्चर हल्की हल्की दिख रहे होगा कि आप हल्की हल्की पिक्चर दिख रही है आपको ये बैकग्राउंड में। अगर आपको और अच्छे तरीके से देखना है तो मैं काम करता हूँ पेज नंबर जो 2 है इसमें सिर्फ एक ही लाइन रहने देता हूँ ताकि आपको पिक्चर जो है वो दिखाई दे, क्लियर है। तो पेज नंबर 2 जो है यहाँ पर आप देखिए आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर, हल्की हल्की पिक्चर दिख रही है, क्लियर है। तो ये आपको पिक्चर वाटरमार्क दिख रहा होगा। तो ये जब प्रिंट करेंगे ना तो पेज के पीछे हल्का हल्के कलर में या लाइट कलर में प्रिंट होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी ना तैयार कर सके, अगर इसकी फोटोकॉपी कोई करता है तो पीछे आपके कंपनी का लोगो नाम आदि आए। तो ये सारे ऑप्शन जो थे हमने देखे कि वाटरमार्क के अंदर आते हैं पेज लेआउट में। अब अगला चीज हम देखते हैं वाटरमार्क को कैसे हटाना है, तो ये रिमूव वाटरमार्क से आप वाटरमार्क को हटा सकते हैं, वाटरमार्क हट गया है। सबसे पहले वाटरमार्क क्या होता है ये अपने जाना कि वाटरमार्क हमारा जो पेज जो डॉक्यूमेंट होता है उसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए हम अपनी कंपनी का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका लोगो आदि इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के बैकग्राउंड में दे सकते हैं, इस ऑप्शन को वाटरमार्क कहा जाता है। तीन तरीके के वाटरमार्क उपलब्ध है एमएस वर्ड में, प्री डिफाइंड वाटरमार्क। सर अटेंडेंस का लिंक भेज दीजिए ना। तो ये प्री डिफाइंड वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क और पिक्चर वाटरमार्क, ऐसे तीन टाइप के वाटरमार्क आपके पास हैं। तो चलिए आगे, अगला जो हमारा टॉपिक था ये था वाटरमार्क, हमने कंप्लीट किया है।